शुक्रवार को इछावर पहुंचे बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के प्रदेशव्यापी आंदोलन के अंतर्गत इछावर विधानसभा क्षेत्र के किसानों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन देने से पहले तहसील कार्यालय के सामने सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि कमलनाथ जी, किसानों के साथ किया वादा पूरा करो, वरना हम किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया और राहुल को मध्य प्रदेश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया में किसानों को उलझा दिया कि जिससे किसान एकदम बर्बादी की राह पर आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों को ज्यादा बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, इसलिए हम बिजली के बिल जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जड़ें गल गई, पत्ती सूख गई, फली झड़ गई। केवल फलियां नहीं झड़ी, किसान की किस्मत झड़ गई। पूरी तरह से किसान की फसलें नष्ट हो चुकी है। हमारी मांग है सभी किसानों को 40,000 रुपया हेक्टर की दर से राहत की राशि दी जानी चाहिए, ताकि किसान बच सके। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। कर्जा माफ होना चाहिए। विश्वासघात किया सोनिया जी आपकी पार्टी ने, राहुल गांधी आपने, किसान के पीठ में छुरा भोंका, धोखा दिया। पूरे सिस्टम को तुमने तबाह कर दिया। कर्जा लेते थे, कर्जा देते थे 0% पे, तुमने कह दिया कर्जा माफ करेंगे। लोगों ने नहीं दिए कि माफ होंगे। अब उनको ऊपर 14% ब्याज का कर्जे पे ब्याज लग रहा है। कौन दोषी है? राहुल गांधी आप दोषी हो, कमलनाथ दोषी है, मैडम सोनिया गांधी आप दोषी हो। इछावर से EMS TV के लिए शिवराज सिंह राजपूत की रिपोर्ट।